हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्मला का 13वां भाग सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला के दिल से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण केवल निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देखो कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। शिव जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होंठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे दो घंटे में वहां से उकताकर चले आते। खाना खाने बैठते तो कोर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी अच्छी चीजें पकाती, पर मुंशी जी दो चार कोर से अधिक न खा सकते थे। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने का फिक्र करती थी और भूलकर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाया करते थे। उनकी स्त्री भी दो चार बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर जब वहाँ से लौटती तो कई दिनों तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर बड़ा दुख हुआ था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक ही मैरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को स्वयं ही अपने हाथों से करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर कुछ कम ही थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की बराबरी न कर सकता था। निर्मला के घर में धन कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह लदी रहती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से न करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो, वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कुछ कहते नहीं बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से भी कह चुके हैं, पर वे यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की ही नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे। सुधा, अरे तुम आज उन्हें खूब जोर देकर कहना। पर तुम कहीं बाहर भी तो नहीं जा सकती हो ना, ये कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है, यही तो मुझे सबसे बड़ी चिंता में डाले हुए हैं। मैंने तो ईश्वर से इसके लिए कभी प्रार्थना नहीं की थी, यह भला मेरे सर ने जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागिन हूँ बहन, विवाह के 1 महीने पहले ही पिताजी का देहांत हो गया और उनके मरते ही मेरे सिर सनीचर सवार हुआ। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी उन लोगों ने आँखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखिए उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, यह तो वे ही जाने बहन, पिताजी न रहे तो सोने की गठरी कौन देता। सुधा, यह तो नीचता है, घोर नीचता, कहाँ के रहने वाले थे। निर्मला, अब यह मैं क्या जानू बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित जी मेरे यहाँ से संदेश लेकर गए थे उसने कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी, उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ न चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका, बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबद्ध कर लेते हैं।
डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्या। सुधा, यह क्यों नहीं कहते कि यह घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ हाँ, यह कहने में मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का। सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोली, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, मगर वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थी हाँ तो बिल्कुल बिकने गया हो तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी है, और दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है, और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूँ। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे वह दूसरी बात थी, लेन देन की बात नहीं थी, बिल्कुल दूसरी बात थी। और फिर कन्या के पिता का देहांत हो गया था, और फिर सबसे बड़ी बात सुनने में यह भी आया था कि कन्या में ऐब है। मगर तुमसे यह कथा किसने कही। सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा है, ज़्यादा बख्यान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है, सच बताओ, उसे तुमने देखा, क्या तुम्हारे घर आई थी। सुधा, हाँ मेरे घर में आई थी, और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है, मैं उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, सच। सुधा, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम ना रखे। सिन्हा, इन वकील साहब को भी क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले। सुधा, ऐसे आदमी ना हो तो गरीब गुआरियों की नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते तो फिर ये बेचारी किसके घर जाएं। तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर रूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह नहीं करूँगा तो क्या उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते। सहसा सुधा से कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊँगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों डरते हो, जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तड़पते भी तो देखो। इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सर तक न उठा सके। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की कोई बहन है ना। सुधा, हाँ आज उसकी चर्चा तो करती थी, इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और कुछ नहीं रहा, मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वह भी मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। साहब का यह हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ से उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उसके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं, रुपये आकाश से थोड़ी बरसते हैं। 10-20 हज़ार रुपये होंगे भी तो बैंक में होंगे, निर्मला के पास थोड़ी ना रखे हैं। हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है तो क्या इनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा। सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटे बदलते रहे, फिर कुछ सोच समझ कर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। तीनों बातें एक ही साथ हुई, निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोता राम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह एक ऐसे संपन्न घराने में कैसे हुआ, उसकी माता के पास तो दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी न थी, और इधर बूढ़े छीना साहब जो पेंशन लेकर घर आ गए थे बिरादरी में महालोभी के नाम से मशहूर थे,
वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घर में करने पर कैसे राजी हुए, किसी को सहसा विश्वास नहीं आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात थी मुंशी जी के मकान का नीलाम हो जाना। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी ना जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। निर्मला जीवन में कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभाव के साथ यह चिंता भी उसके सर पर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंता में रहने लगे। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन शोर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम गए। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला शिशु को गोद में चिपकाए हुए अपने कमरे में चली गई और रोती रही। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल का एहसास हुआ और वे दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल होठ, ईश्वर ने मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माँ था, वही मुँह, वही हाथ पाँव, ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं, वही आया है। कोई लाख कहे मैं ना मानूंगी, साफ मनसाराम है ये तो। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोता राम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति थे हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है। निर्मला कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहाँ निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना दहेज लिए कैसे विवाह के लिए तैयार हो गई। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा ने कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लगा। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल, 19वें ही साल में बुढ़ी हो गई। जब माँ बेटियाँ रोध होकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को नहीं मिलता था? इससे कहीं तो तू यहीं थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी। आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा अब यह बता कि तूने यहाँ रुपये क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे। लाग गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नियत नहीं मेरी। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपये भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोर भी वहां की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ अम्मा, मैंने रुपए नहीं भेजे, यह कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे, अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपये नहीं भेजे अम्मा। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते, मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधि तो नहीं? वकील साहब ने कहीं तुमसे छुपा कर तो नहीं भेजे थे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए, मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई।
निर्मला ने अम्मा से कहा, अम्मा इस विवाह की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ये हुआ कैसे अम्मा? माता, यह बात तो जो भी सुनता है दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी, और वो भी थोड़े से रुपए के लोग थे, और वे लोग अब बिना कुछ लिए विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा था और मैंने तो साफ लिखा दिया था, मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं है, खाली कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। और मुंशी जी तो अपनी पहली वादा खिलाफी की वजह से बहुत लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा नहीं थी, मगर सुनते हूँ उनके बड़े पुत्र बड़े ही सज्जन आदमी हैं, उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई, जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करने जाता है। तभी कृष्णा ने निर्मला से पूछा, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को तो कहा है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुआजूपति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं, और वहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते थे? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूँ, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके काबू में और मेरे काबू में नहीं है उसके लिए क्या कर सकते हैं? न वह जवान हो सकते हैं और न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह ना जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं, मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी? निर्मला, अरे वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आँखें मैंने किसी की नहीं देखी, कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था, ऐसा साथी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने आप को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूँ। मन में पाप का लेश भी नहीं था, अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी भाव से देखा हो तो मेरी आँखें फूट जाए। पर न जाने क्यों उसे अपने पाप देखकर मेरा हृदय फूलने समाता था, ये मैंने पढ़ाई का स्वांग भी रचा, नहीं तो वह घर में आता ही नहीं था। यह मैं जानती हूँ, अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुझसे निकालती हो? निर्मला, हाँ यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन मैं तो जाकर सो रही हूँ, मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने भी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन उसे ज्वर आ गया था जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी न ही बोलने की, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा, तमाता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कुछ बताऊं कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें नहीं खुली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने को बोला था, यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करते उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने के लिए तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था, पर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता
उससे पहले ही देह में रक्त पहुंच जाता तो शायद बच जाता मनसाराम। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया? निर्मला, अरे पगली, तो अभी तक बात नहीं समझी? वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वह उठा था। मेरा कलेश मिटाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया ही आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तो डर ही जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, यह जाकर बूढ़ों से ही पूछो। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुझे उपहार में क्या दूँ? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूँ। कृष्णा, जो भी तुम्हारा जी करे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, अरे उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने लिए ही तो मैं भी कह रही हूँ। और वो खद्दर के भी बड़े प्रेमी हैं, सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लादकर देहातों में बेचने जाया करते हैं। निर्मला, अब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, अब उन्हें मोटे कपड़े पसंद हैं तो मुझे चिढ़ क्यों होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती हो? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूँगी तो मुझे बड़ा लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहन सो गई। अचानक निर्मला की आँख खुली तो देखा कृष्णा चारपाई पर नहीं है। उसे लगा पानी पीने गई होगी, पर देखा सिराने पर पानी रखा हुआ है। फिर वह कहाँ गई? उसने दो तीन बार आवाज़ भी लगाई पर कृष्णा का पता न चला। अब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं आने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो रही थी तो वह उठकर कृष्णा के पास जाकर पहुंची। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से तो शायद उसने थिएटर भी न देखा था। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे, यह चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी तो मैंने इसे यहाँ नहीं रख दिया था। निर्मला, अरे मैं कहती हूँ, तुझे दिन में समय नहीं मिलता क्या जो तुम रात को चर्च खाली कर बैठ गई हो? कृष्णा, बहन दिन को फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, हाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काटकर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ इस वक्त, कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चल कर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। उसे अपने विवाह की याद आ गई, का विवाह जिसमें उसकी सारी अभिलाषाएं विलीन हो गई। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।